उल्टा किया मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है जब मैं जेल गया था। अच्छा खासा लड़का उनका एक ही बेटा हूँ मैं, लोता बेटा, लेके जाके अब जेल में रहा हूँ क्या रीजन के लिए? नो रीजन। क्या केस कर दिया 377, क्या बेस पे कर दिया? फिर उधर भी बेस के पूछती है पैसे चाहिए मुझे। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन, ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, किसको छोड़िए राखी बोलो? ये तो छोड़ो, हम 4-5-6-7-10-20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं। जो पुराने विक्टिम है उसका क्या? सुसाइड होके मर गए यार लोग। पुराने विक्टिम्स पता है राखी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करती है, सारे शरीर लोगों को पकड़ती है। जो 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 इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या? उल्टा किया, दो लड़कों को सुसाइड करवा दिया, उसका केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस। राखी सावंत करती है ना, इसमें पुराने विक्टिम्स को भी मैंने बहुत बार सुना है, उसमें कहीं पे जब उसको पता चलता है ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रो के गिर गिरा के एकदम, मतलब उसका पूरा पास निकल आता है। मतलब क्या नाम है? मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चली गई, उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है, संस्कृत आदमियों को फंसाने के लिए, मेरा ये है, मेरा वो है, तो सेवियर कॉम्प्लेक्स जाग जाता है, जिसको तो सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाग जाता है। मुझे मेरे इंटरव्यू देखा रिसेंटली, मुझे प्यार की जरूरत है, मुझे प्यार नहीं मिला। भैया सबको प्यार की जरूरत है, सबको इज्जत की भी जरूरत है। आप इज्जत दोगे ना इंसान को, तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज इसकी राखी सावंत की जो फटीचर हालत है ना, इसका दायित्व इसके ऊपर ही है। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर शी इज टुडे। उसने जिंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया, जिंदगी भर लोगों को बेइज्जत किया, जिंदगी भर लोगों को रोड पे ला लाकर उसने लोगों की इज्जत की नीलामी करी बिना मतलब, बिना किसी वजह से। और उसने ये जो सुसाइड वगैरह करवा दिया, उसका पाप लगा इसके ऊपर, और बहुत लोगों ने उसको माफ कर दिया क्योंकि वो रोके गिर रहा थे, माफी मांगती है। लेकिन प्लीज रिमेम्बर दिस, जो शैतानियत करता है ना, जो सोच समझ के उसको पता है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में ऐसे झूठ बोलो कि उसका पूरा मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए इंसान, ठीक है? तो वो शैतानियत, वो कॉमेडी नहीं है। और लोग उसने ना एक पीयर में शीजरी क्लेव बहुत चालाक है, उसने ना अपना एक हवा बना के रखा है कि मैं जबान की गलती हूँ बट मैं दिल की बहुत साफ हूँ, मैं बहुत क्यूट बिहेव करती है, बहुत कॉमेडी करती है, ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए। प्लीज रिमेम्बर दिस, जो दिल का साफ होता है ना, उसकी जुबान भी साफ होती है, उसका दिमाग भी साफ होता है, और उसकी हरकतें भी साफ होती है।